नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है, इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल को छीलने और काटने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगाएं। ऐसा करने से कटहल को छीलना और काटना आसान हो जाएगा और अपने मनपसंद टुकड़ों में काट लें। वैसे तो आजकल सब्जी वाले कटहल को छील भी देते हैं और काट भी देते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसे ही करें। आप कटहल को अच्छे से धो लें। हमने कटहल को पहले से काट कर धोकर रखा हुआ है। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए कटहल करीब आधा किलो, दो बारीक कटे टमाटर, एक मीडियम साइज बारीक कटा प्याज, लहसुन का पेस्ट, दो बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और दालचीनी पाउडर। अब हम लेंगे एक पतीला, इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल, गैस ऑन कर देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है और अब गैस की आंच को कम कर देंगे। अब हम डालेंगे प्याज, कलछी की हेल्प से चलाएंगे और अब डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और इसे भी घुमा देंगे इस तरह से और सुनहरा ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज और लहसुन भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और बारीक कटी हरी मिर्च और मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच यानी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ढककर 2 मिनट भूनने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। मसाले को जब तक भूनना है, जब तक मसाले के ऊपर तेल ना तैरने लगे, मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटहल के टुकड़े, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और अब इसे ढक देंगे, 2 मिनट तक भूनेंगे और 2 मिनट बाद आप चेक कर लेते, कटहल भुन गया है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। थोड़ा सा घुमा देंगे इसे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। सब्जी को ढककर धीमी गैस पर सब्जी को पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 8-10 मिनट बाद सब्जी को खोलकर देख लेंगे और कलछी की हेल्प से चलाते हुए चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सब्जी में पानी कम हो गया है या आपकी सब्जी अभी पकी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढककर धीमी गैस पर 5-6 मिनट और पकने देंगे। कटहल के टुकड़े नरम हो गए हैं, सब्जी बन गई है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसे हम एक कचौड़ी में निकाल लेंगे और हरा धनिया ऊपर से डालकर सजाएंगे। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट कटहल की सब्जी बनी है। आप इसे पराठे, चपाती या नान के साथ परोसिए और खाइए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।